शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। देखिए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भले ही अभी थोड़ा दूर है, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी से राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति के आधार पर बटी है। यहाँ पर जो वोट पड़ते हैं वो जातियों के आधार पर पड़ते हैं। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं आशिफ। आशिफ से हम सवाल करेंगे कि जो मुस्लिम वोट पहले कांग्रेसियों के साथ आते थे, जो मुसलमान पहले कांग्रेस की तरफ होते थे, आखिरकार ऐसी वजह क्या रही कि अचानक मुस्लिम जो मतदाता हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ अचानक छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा का, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। पहले के भी जो चुनाव लोकसभा के हुए उसमें भी मुस्लिमों ने बहुत कम कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन अभी हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। तो मेरे सहयोगी आशिफ जो मौजूद हैं, वो आपको ये बताएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि जो मुस्लिम वोटर्स है, मुस्लिम मतदाता है, वो कांग्रेस से पीछे हट गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ उसने नई आस लगाई है। पहले तो राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातें रख पाऊँ। आपने सवाल बहुत लाजमी उठाया है कांग्रेस के नज़रिए से जो आज कांग्रेस के हालात हो गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब जमकर जो तमाम नेता हैं वो अब कांग्रेस को मजबूत करने में एकजुट हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मुसलमानों की बात है तो देखिए, इसका दो वजह है। सबसे पहला वजह क्या है कि अगर यूपी के मद्देनज़र देखा जाए, जो मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं आए, तो उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि कोई भी जाति के लोग हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ उनको तवज्जो दिया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं वो वहाँ के लोगों के मसले को ज़्यादा ध्यान से देते हैं, वहाँ के लोगों के मसले को ज़्यादा ध्यान से दूर करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही वजह है कि मुसलमान क्षेत्रीय पार्टी पे, कोई भी पार्टी, कोई भी जाति, पहले क्षेत्रीय पार्टी पे ज़्यादा जाते हैं और नेशनल पार्टी के बाद में आते हैं। जैसे कि आशिफ आपने बताया कि ये तो ठीक है कि चलिए उत्तर प्रदेश के अगर मान लेते हैं कि वहां पर जाति के आधार पर बटा है और क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा दबाव देते हैं, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर अगर मैं बात करता हूँ, लोकसभा चुनाव की बात करता हूँ, बहुत बड़ा चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसमें पहले क्या होता था, अगर 70 सालों की बात करूं तो 70 सालों में जो कांग्रेस को ज्यादातर वोट पड़े वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट पड़े, मुस्लिम समाज के लोगों को पड़े। लेकिन 70 सालों के बाद जिस तरह तस्वीरें कांग्रेस की बदली हैं और अचानक इस तरह बदल गई कि बहुत सारे वोटर कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलने ही वाला था राहुल कि मैं उस पर आ ही रहा था। मैं तो पहले यूपी समझा रहा था आपको, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, जैसे कि 2014 में हुए, 19 में भी हुए, मोदी लहर था, जिस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, देश में 14% के आसपास हमारे मुसलमान हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए, मुसलमान, मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का हमेशा से साथ देते रहे, लेकिन जिस तरह से 14 के बाद हवा बदली है, तो मुसलमानों ने भी एक बार कोशिश किया कि मोदी को देखकर देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आपको मानना पड़ेगा कि इन 70 सालों में कांग्रेस के कुछ ऐसे हालत रहे क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़े थे, इसीलिए देश में लोगों ने एक बार मौका देने का कोशिश किया। इसके साथ साथ मुसलमान भी साथ आ गए लोगों के और उनको मौका दिया। उसके बाद आज लोगों को भले एहसास हो रहा है कि वो देखकर जो है पछता रहे हैं, फंस गए हैं, और यही वजह है कि लोग आज कह रहे हैं कि एक बार हमसे गलतियाँ हो गई। एक बार देखिए, हमसे गलतियां होकर, देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, मेरे सहयोगी ने जो बोला कि पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं अगर मौजूदा समय की बात करूं कि जो मौजूदा समय चल रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव भी, जिस हिसाब से अभी मुस्लिम मतदाता है वो क्या वाकई में मोदी सरकार को वोट करेगा? हालांकि ट्रिपल तलाक जैसा कदम मोदी सरकार ने उठाया था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो मुस्लिम है वो बहुत छुपा हुआ वोटर होता है, वो खुलकर अपनी बात नहीं बोलता, उसके अंदर की बात निकलवाना इतना आसान नहीं होता। मुस्लिम मतदाता जो होते हैं वो सीधा अपना फैसला मतदान के दौरान सुनाकर चले आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल आपने राहुल उठाया है और बहुत गंभीरता वाला सवाल है, ये बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। तो ये ट्रिपल तलाक का आपने जिक्र किया, धारा 370 का जो एक बहुत बड़ा ही था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ये कदम उठाए गए, इससे मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं 100% कह सकता हूं कि अब मुसलमान मोदी सरकार के साथ तो जिंदगी में भी नहीं रहेगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो ये छुपा हुआ मुस्लिम वोटर है, कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में ये वोटर
किसकी तरफ जाकर किसकी सरकार बनाएगा, क्योंकि ये समय जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत जानने की होगी। हमारे देश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, मुस्लिम वर्ग बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां भी काम कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को पहचानना, उनके वोट को पहचानना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हमने जो है आपसे इसकी बात रखी कि क्यों जो है मुस्लिम मतदाता जो है वो थोड़े से असमंजस की स्थिति में, और क्या लग रहा है कि आपको कि लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ रहेगा मुस्लिम मतदाता। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो पहले ही जिक्र कर दिया कि इस बार मोदी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ये वजह बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि CAA को लेकर देश में किस तरह से प्रदर्शन हुए, एक कम्युनिटी के साथ, एक जाति के साथ किस तरह से जो बयानबाजी किए गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि करंट यहाँ दबाओ, किस तरह से जो है पूरे उखाड़ फेंको। PM मोदी ने खुद कहा था, उनका बयान है वजह थे कि टोपी पहनने वाले को कपड़े से मैं पहचान कर लेता हूँ। तो एक जाति को किस तरह से टारगेट किया गया, CAA को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए, वहां किस तरह से आपने देखा कि सिर्फ एक जाति को लेकर ना कोई सबूत है, कुछ भी नहीं, लेकिन उन पर क्या हुआ, FIR दर्ज हुए, UAPA लगा दिया गया। आज भी कई लोग जो है आज जेल में है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट लगातार योगी सरकार को फटकार लगाते रहे, इसके बावजूद भी सरकार जो है उन्हें नहीं सुनी। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फर्क है, यही वजह है कि मुसलमान नाराज है, और इसका भुगत कहीं ना कहीं, लोकसभा का तो आप जिक्र कर रहे हैं लेकिन उससे पहले 2022 में UP चुनाव है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, और मेरे सहयोगी ने पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया, वो खुद एक मुस्लिम है और वो ये बता चुके हैं कि मुस्लिम मतदाता BJP को तो वोट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह BJP नेताओं ने मुस्लिम मतदाताओं का मजाक उड़ाया है ये किसी भी तरह से सही नहीं है। हालांकि उन्होंने नाम भी गिनवा दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर क्षेत्र के आधार पर वोट पड़ते हैं, हमने बताया अभी कि जाति के आधार, वहां पे जाति बटी हुई है, जाति के हिसाब से वोट चलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने इन्हीं मुसलमानों को लुभाने के लिए इमरान प्रताप कड़ी पर बहुत बड़ा दांव खेला। इमरान प्रताप कड़ी बहुत बड़ा चेहरा है, इमरान प्रताप गढ़ी की लोकप्रियता की मैं बात करता हूं तो बहुत बड़े शायर हैं, और उनको सुनने के लिए बहुत ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से आते। तो आपको क्या लग रहा है कि इमरान प्रताप गढ़ी को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या ऐसे में जो भीड़ इकट्ठा होगी आने वाले समय में, इमरान प्रताप गढ़ी रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है रैली होगी तो पार्टी का जो कार्यक्रम तय होगा तो लोग जुटेंगे, तो क्या वो जो लोग जुटेंगे वो लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? क्या यहाँ पर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी की लोकप्रियता को देखते हुए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये लाजमी है आपका सवाल, लेकिन इससे इमरान प्रताप गढ़ी की जो जिम्मेदारी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने परिवर्तन सम्मेलन इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया, तो जिस तरह से उनका फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक है, उनका उनको तो फायदा मिलेगा, लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात है यूपी में, तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, ना BSP की तरफ, ना ही असदुद्दीन ओवैसी जो सबसे बड़े एक मुसलमान के मसीहा कहा जाते हैं, वो तमाम वोट मुसलमानों का इस बार जा रहा है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है तो लोगों की वो उम्मीद बने, उसके साथ साथ मुसलमानों की आखिरी इच्छा और वही एक सहारा है, मुझे जहां तक लगता है। तो ना ही इमरान प्रताप गढ़ी उस तरह से खड़े हो पाएंगे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, प्रियंका गांधी ने भी तैयारियां शुरू कर दिया। खैर, हम इतना नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट मतदाता एक तरफा अखिलेश को जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इमरान प्रताप गढ़ी की लोकप्रियता जिस कदर है, ऐसे में मुस्लिम वोट टूटेगा जरूर, बिल्कुल, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी की लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग की बात करूं, उनके बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं, उन्हें वो ये समझ चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो खास तौर पर उनके जो बड़े समर्थक है, जितनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग होंगे, पूरा पूरा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस को समर्थन करेगी, कांग्रेस को वोट करेगी, कांग्रेस को वोट पड़ेंगे तो फायदा प्रियंका को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा, और वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। यानी कि प्रियंका गांधी ने जो एंड टाइम पर ये देखा कि इमरान प्रताप गढ़ी जैसे नेता जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उन पर दांव खेल के बहुत काफी हद तक उन्होंने काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, वो अलग बात है कि जैसा कि मैं बता रहा था कि चुनाव में अभी कुछ समय है, लेकिन हम चुनाव के वक्त का इंतजार नहीं करते हैं, चुनाव से जैसे एग्जाम से पहले हम लोग तैयारियां करते हैं, जब एग्जाम होता है तब हम एग्जाम देते हैं, ठीक एग्जाम ही है ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए।
तो अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से देखिए देखा जाए साल 2017 के दौरान कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी था और ऐसे में दोनों को झटका लगा। तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि क्या जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव। देखिए इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने खुलेआम कर दिया है कि जो भी बड़ी पार्टी है जैसे कि बीएसपी, सपा, भारतीय जनता पार्टी, ये इन तमाम बड़े पार्टियों से वो अलायंस नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने खुलाम साफ तौर पे उन्होंने कह दिया। जहां तक अब जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो छोटे छोटे पार्टियां जैसे निषाद पार्टी है, ओम राजभर की पार्टी है, आरएलडी है, अगर ये इन तमाम छोटे पार्टियों में से अगर वो अलायंस करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस तो तैयार है लेकिन बाकी जो छोटे दल के पार्टी हैं क्या वो तैयार है? वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसे पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए जिससे उनको फायदा हो, जिससे उनको पोस्ट मिल सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 2 से 3 साल या 10 साल में ले लेता हूं, यहां तक कि जब सपा की और बीएसपी की जब सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से वहां माहौल रहा है, जिस तरह से वहां की कमजोरियां रही हैं, उसको लेकर लगातार लोगों ने इन्हें नजरअंदाज ही किया और यही वजह है कि आज कांग्रेस की ताकत और उनका वजूद वहां बहुत कम है। आज कांग्रेस की ताकत वजूद बहुत कम है लेकिन शायद वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मुस्लिम वोट अब की बार बटेगा, समाजवादी पार्टी को भी जाएगा और कांग्रेस को भी जाएगा। अब ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जो है वो क्या इमरान प्रतापगढ़ी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस को पड़ता है या फिर अखिलेश यादव के काम की स्थिति को देखते हुए अखिलेश को। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।